बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद, एफएससी मैथ पार्ट टू, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सरा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें एक्स भी एक अलग फंक्शन गिवन है और वाई भी अलग फंक्शन गिवन है, तो इस पे मैं अप्लाई कर दूंगा चेन रूल। चेन रूल के मुताबिक हम मतलब लिख सकते हैं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, डी वाई बाई डी टी एन टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि ये डी टी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वापस किया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन एक्स है, यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स और वाई दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इसका क्या है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको आप लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, मैं एक्स इज इक्वल टू 1 + t² को अलग डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी, डी बाय डी टी आप 1 + t² हो जाएगा। तो यहाँ पे देख, 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वो 2t हो जाएगा। तो डी एक्स बाय डी टी बन जाएगा 2t, ठीक है। तो ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारे पास पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन हुई। यहाँ पे देखो y क्या गिवन है, y इज इक्वल टू t³ + 2t² + 1, इसको भी डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी टी, यहाँ मैं लिख दूंगा d बाई डी टी आप t³ + 2t² + 1। तो t³ का डेरिवेटिव क्या है, t³ की डेरिवेटिव है हमारे पास 3t², यहाँ पे आ जाएगा 4t + 0, तो ये हुआ dy/dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में हम फोटिंग कर देंगे, मतलब मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी एन टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास 3t² + 4t, ये। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है dt/dx, और यहाँ पे क्या लिखा है dx/dt। तो हम इसको उलट कर देंगे, मतलब इससे मैं बना दूंगा dt/dx, जब मैं इसका रिसिप्रोकल लूंगा तो मैं इसी टर्म्स का भी रिसिप्रोकल लूंगा, ये हो जाएगा 1/2t। तो इस dt/dx की जगह क्या लिखना है, 1/2t लिखना है, तो क्या हो जाएगा dy/dx बन जाएगा 3t² + 4t/2t। तो हम इससे t कामन भी ले सकते हैं, अपर टर्म से मैंने t कामन लिया तो क्या बना 3t + 4/2t, तो फिर ये टी इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, dy/dx बन जाएगा 3t + 4/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन एक्स गिवन है, एक फंक्शन वाई गिवन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल के मुताबिक मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, dy/dx को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ।
अब पार्ट बी को देख लो, एक्स गिवन है 3at² + 2 एंड वाई गिवन है 64 + 9। तो इस पे भी मैं चेन रूल अप्लाई कर दूंगा, मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स जो इक्वल है डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स का। सो यहाँ पे इसी फंक्शन का मैं अलग डिफरेंशिएशंस कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मैं लिख दूंगा डी एक्स अपॉन डी टी डी बाय डी टी ऑफ 3at² + 2। तो ये 3a दोनों कांस्टेंट है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, 2t को 3a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6at हो जाएगा और इस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा 6at। और यहाँ आप इसका रिसिप्रोकल भी ले सकते हैं, मतलब डी टी बाय डी एक्स क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/6at, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डी टी बाय डी एक्स चाहिए, तो हम यहाँ इसका रिसिप्रोकल भी लेंगे। अगेन अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाय डी टी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 6 × 4 = 24t³ + 0 आ जाएगा। तो डी वाई बाय डी टी हमारे पास आ जाएगा 24t³। क्लियर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी एंड टू डी टी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 24t³ है और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/6at है। तो एक टी इसके साथ कैंसिल हुआ और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो बन गया 4t² / a। तो ये हमारे पास हुआ डी वाई बाई डी एक्स की। लो एक्स इज इक्वल टू a₁ − t² / 1 + t² एंड वाई इज इक्वल टू 2bt / 1 + t². तो इसका भी हम चेन रूल के मुताबिक डिफरेंशिएशंस फाइंड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशंस करूँगा तो सबसे पहले मैं इस पे अप्लाई करूँगा कोशंट रूल। कौन सा रूल यूज़ करना है, कोशंट रूल, मतलब x इज़ इक्वल टू a 1 − t² / 1 + t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x t लिख दो, तो जब विद रिस्पेक्ट टू टी मैं लिख दूंगा तो इसके साथ मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, d by dt लिख दूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, d by dt लिख दूंगा, ठीक। अब ये एक क्या है, ये एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर लिख सकता हूँ, इस a को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और ये जो टर्म्स रह चुका है 1 − t² / 1 + t², इस पे मैं अप्लाई करूँगा कौन सा रूल, कोशंट रूल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन रूल किस तरह है, लोअर फंक्शन 1 + t² हुआ, डेरिवेटिव आप अपर फंक्शन, अपर फंक्शन की डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव क्या है, 0 है और टी स्क्वायर का −2t हुआ, माइनस अपर फंक्शन 1 − t² एंड टू डेरिवेटिव आप लोअर फंक्शन 0 + 2t हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + t² होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव −2t, माइनस अपर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, ये मल्टीप्लाई कर लो, −2t − 2t³ और यहाँ पे देखो
ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2t माइनस 2t क्यूब, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + t² होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुए, माइनस टू टी से माइनस 4t आ जाएगा, तो डी एक्स बाय डी टी बन जाएगा -4at डिवाइड बाय 1 + t² होल स्क्वायर। इसको कहते हैं डी एक्स बाय डी टी, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डी टी बाय डी एक्स जो बन जाएगा -1 + t² होल स्क्वायर डिवाइड बाय 480। ठीक है, इसको मैंने अलग डिफरेंशिएट करना है। और जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हमारे पास कौन सा है, y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 + t² इसको अभी डेरिवेटिव लेना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा dy बाय dt, 2b कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दो, डेरिवेटिव अप्लाई करना है t + 1 + t² पे। ठीक है, 2b मैंने बाहर लिख दिया, इस पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल किस तरह है, लोअर फंक्शन को छोड़ दो 1 + t² को, अपर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस अपर फंक्शन को छोड़ दे और लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा डिवाइड बाय 1 + t² होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, dy बाय dt बन जाएगा 1 + t² -2t² डिवाइड बाय 1 + t² होल स्क्वायर। तो ये दो यहाँ पे क्या जाएगा, dy बाय dt बन जाएगा 1 - t² डिवाइड बाय 1 + t² होल स्क्वायर। तो ये dy बाय dt की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो क्या जाएगा 1 - t², अच्छा इसके साथ 2b है, 2b लगा दो 1 + t², और दूसरा है -1 + t² होल स्क्वायर डिवाइड बाय 480। तो ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम भी आप लोग को ट्राई कर लो, ये मतलब थोड़ा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, इस पे अलग क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है और इसी पे अलग क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी फॉर्मूले में पुट करना है, डी पार्ट भी इसी तरह है, वो भी आप लोग क्वेश्चन रूल पे कर सकते हैं। इसके बाद हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशंस फाइंड करेंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से स्टेटस।